व्हाट इज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। आज बात करते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट आखिर होता क्या है। देखिए, एक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, पोस्टमास्टर से लेकर साइंटिस्ट तक, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी थे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब बना, ये एक्चुअली ब्रिटिश अमेरिका में पैदा हुए थे, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जब फाउंडिंग मेंबर में से एक थे, तो इन्होंने ही अपनी बुक में इसका जिक्र किया है कि आखिर व्हाट इज़ दिस, क्या इफेक्ट है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है, ऐसा कोई पसंद है जो आपको डिसलाइक करता है या फिर न्यूट्रल है आपके प्रति, तो आप उससे कोई फेवर मांग लो, आप उससे कोई मदद मांग लो, मोस्ट लाइकली वो आपकी हेल्प भी करेगा और आपको पसंद भी करने लगेगा। ये एज़ पर दिस इफेक्ट इसका मतलब यही है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको पसंद नहीं करता है, डिसलाइक करता है, तो आप उनसे फेवर मांगो, सिंपल सी बात है। और हाँ, अगर आपकी किसी ने पहले मदद करी है, आप उससे दोबारा मदद मांगोगे तो वो आपकी फिर से मदद करेगा ही। प्लस अगर आप किसी ऐसे से मदद मांगते हो जिसकी आप खुद मदद कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी हेल्प ना करे या कोई आप पे फेवर ना करे। तो इस इफेक्ट को आप इस एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह यूज़ कर सकते हो, कई जगह इसका जिक्र भी आता है। तो आज के लिए इतना ही इसमें, थैंक यू।